अरे वाह, आज तो कितनी अच्छी चाय बनी है। सुनो, आज तुम्हारी छुट्टी है, कहीं घूमने चलते हैं। चलेंगे मेरी जान, पहले दिवाली तो आने दो, दिवाली का बोनस तो आने दो, फिर पक्का चलेंगे। बस बहाना ही मारते रहते हो, अपना बहाना ना अपने पास रखो। अरे सुबह सुबह क्यों इतना गुस्सा करती हो मेरी जान? अच्छा क्यों गुस्सा ना करूं? करा क्या है आज तक तुमने मेरे लिए? अरे क्या नहीं किया, इतनी महंगी साड़ी जो तुमने पहनी है वो मैंने ही दी है। ये साड़ी अगर मैं बाहर पहनकर जाती हूँ ना तो लोग चोर बाजार की साड़ी बोलकर हंसते हैं। अच्छा और इतना बड़ा जो हील दिलाया है उसका क्या? हील तो बड़ा दिला दिया पर तुम्हारा दिल कितना छोटा है। अच्छा और ये जो इतना महंगा हार दिया है उसका क्या? ये हार तो मैंने अपने पापा के पैसे से खरीदा है। तुम हर बात में पापा को क्यों बीच में ले आती हो? जब देखो पापा पापा करती रहती हो। पापा की परी। खबरदार, मेरे पापा के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। और जरा अपनी माँ को बोलो ना तुम्हें खाना बना के दे, वही खाओ तुम, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। नहीं आएगी अकल ठिकाने। हेलो, हाँ फादर, आपने कॉल किया? हेलो, मैं आपके घर मिलने आ रहा हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ 5 मिनट में। जी हाँ फादर, बिल्कुल आइए। सुनो, अभी फादर आ रहे हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, लड़ाई मत करो। ठीक है, वैसे ही बात कौन कर रहा है तुमसे? और अच्छा सुनो, काम करो, कैंडल जलाओ और बाइबल खोल के रखो, फादर को लगना भी तो चाहिए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। अरे आइए फादर, बैठिए बैठिए। जय श्री, और कैसे हो गए? मैं बढ़िया हूँ फादर, आप कैसे हैं? ईश्वर की कृपा से मैं भी ठीक हूँ। जय यीशु फादर, आपके लिए पानी। जय यीशु सिस्टर। ब्रदर, जब भी मैं आपके घर में आता हूँ मुझे आप दोनों हमेशा प्रार्थना में ही दिखते हो, मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है। मदर आपके लिए चाय लाती हूँ, आप तो नहीं पियोगे ना? क्या हुआ ब्रदर? सिस्टर काफी गुस्से में लग रही है। क्या बताऊं फादर, इस औरत से शादी करके पछता रहा हूँ। जो भी चीज लाके दो खुशी नहीं रहती है, जब देखो तब झगड़ा करती रहती है। अच्छा हो गई मेरी बुराई, उसे शादी करके पछता रहा हूँ। और क्या, तुमसे शादी करके पछता ही तो रहा हूँ, तुम्हारे इशारों पे जब देखो नाच रहा हूँ, मुजरा कर रहा हूँ। अरे अरे लड़िए मत, शादी में तो ये सब चलता ही रहता है। फादर ये जब देखो तो मेरी बुराई करते रहते हैं। हम किसी भी परिस्थिति में रहें हमें हर समय उसका धन्यवाद करना चाहिए। आओ मैं तुम्हें एक कहानी के द्वारा कुछ बताना चाहता हूँ। इस कहानी में एक औरत है जो बहुत गरीब है, दुखी है, उसके पास पैसे भी नहीं है। ऐसे में वह परमेश्वर को क्या बोलती है हम देखेंगे। हे प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास 1 रुपये तक नहीं है। प्रभु पानी का बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है, स्कूल की फीस भरनी है, क्या करूँ मैं, मुझे रास्ता दिखा। उसी समय उस औरत के सामने से एक लंगड़ा गुजरता है। हे पिता ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ, भले मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इस लंगड़े व्यक्ति के समान नहीं हूँ। मेरे हाथ पैर सब सही सलामत है, मैं तेरे नाम को नमन करती हूँ। हे पिता परमेश्वर, तूने मुझे लंगड़ा क्यों बनाया? अब मैं इतनी दूर चल के कैसे जाऊँगा? तभी वहाँ से एक भिखारी गुजरता है।
परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, भले ही मैं लंगड़ा हूँ लेकिन तूने मुझे भिखारी के समान तो नहीं बनाया, इसके लिए मैं तेरे नाम को धन्य करता हूँ। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। हे पिता, मैं क्यों गरीब हूँ? फिर भी उसकी नजर एक अंधी औरत पे पड़ती है। हे प्रभु, मैं भिखारी हूँ लेकिन अंधी नहीं हूँ, इसलिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद करती हूँ। हे प्रभु, तूने मुझे अंदर क्यों बनाया? फिर उसी समय उसको एक एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है। अरे, लगता है कि बीमार है, एम्बुलेंस में जा रहा है। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, भले ही मैं अंधी हूँ लेकिन मैं स्वस्थ। जो व्यक्ति एम्बुलेंस में है वह कहता है, हे पिता परमेश्वर, मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, पर फिर भी ये जो जीवन तूने मुझे दिया है उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद। तो देखा आप दोनों ने, इस कहानी से हमें यह पता चला कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए।